हॉटस्टार का बेहतर वेब सीरीज जिसने पहले सीजन में ऐसे सवाल छोड़ दिए थे जिसके जवाब में दूसरा सीजन तो आना ही था, और इस बार सुष्मिता सेन ने कमबैक किया है एक अलग ही अवतार में। पहले आपको बता दें कि सीजन 2 सीजन 1 की कहानी को ही आगे बढ़ाता है, इसलिए इसे समझने के लिए आपको इसका सीजन 1 देखना होगा। आगे बढ़ते हैं रिव्यू और स्टोरी की ओर। कहानी दोबारा से शुरू होती है उस सीन से जहां पहले सीजन में अपने परिवार के साथ देश छोड़कर ऑस्ट्रेलिया जा चुकी होती हैं। अब एक बार फिर आर्या यानी कि सुष्मिता सेन देश लौट आई हैं। सीरीज में आगे बढ़ रही कहानी में पहले सीजन से ज्यादा ट्विस्ट और टर्न है, वहीं सस्पेंस आपको इस सीरीज के आखिर के एपिसोड तक बांधे रहेगा। वैसे आपको बता दें कि ये वेब सीरीज पूरी तरह से इस बात पर आधारित है कि देश लौट कर आई आर्या दुश्मनों से खुद को और परिवार वालों को कैसे बचाती हैं और सर्वाइव करती हैं। उनके इसी स्ट्रगल और बदला लेने की भावना पर टिकी हुई ये कहानी आपको 8वें एपिसोड तक रोके रखेगी। एक बात जो यहाँ सबसे मजेदार है वो ये है कि बाकी कहानियों की तरह इसमें डॉन कोई मेल नहीं बल्कि खुद आर्या है। वैसे तो सुष्मिता सेन एक उम्दा और मंजी हुई कलाकार है, लेकिन आर्या में उनकी एक्टिंग ने तो जैसे पर्दे पर आग लगा दी हो। उनके एक्सप्रेशंस, डायलॉग डिलीवरी, अग्रेशन इतनी बखूबी पेश किया गया कि मेल लीड रोल की कमी महसूस नहीं होगी। और अब इस सीरीज के आते ही सुष्मिता सेन ने अपने करियर में एक बेस्ट स्ट्रॉन्ग और इम्प्रेसिव लीड रोल के लिए खुद का नाम दर्ज करा लिया है। बीच बीच में आपको सीजन के कुछ डायलॉग एक्शन सीन्स को मेकअप करते नजर आएंगे। सबसे सस्पेंस वाली बात यह है कि आखिर तक आपको ये समझना मुश्किल होगा कि कौन सुष्मिता का साथ दे रहा है और कौन धोखा, क्योंकि यहाँ अलग अलग मुखौटे पहने खुद आर्या के ही परिवार वाले उसके जान के पीछे पड़े हुए हैं। अगर हम बात करें वेब सीरीज आर्या 2 की कहानी को, तो इसकी कहानी एक धनी परिवार की है जिसके अपने कई राज हैं और जिसका एक क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है। परिवार के अपराध की छाया आर्या की फैमिली पर पड़ती है, जिसकी वजह से आखिर में उसे देश छोड़कर जाना पड़ता है। आर्या सीरीज में आर्या नाम का एक किरदार निभाने वाली अभिनेत्री सुष्मिता सेन अपने बच्चों के साथ एक देश से दूसरे देश भाग रही हैं, लेकिन कहीं भी वो सुरक्षित नहीं है। जबकि आर्या को पुलिस अपने पिता के खिलाफ गवाही देने के लिए भारत लेकर आते हैं, लेकिन आर्या अपने पिता के खिलाफ गवाही नहीं देती है। इस तरह से पूरा सीन बदल जाता है। अब ये वेब सीरीज में देखना दिलचस्प होगा कि आर्या अपने भाई और पति की मौत का बदला कैसे लेती हैं। अगर हम बात करें फिल्मी वेब सीरीज में अभिनेत्री सुष्मिता सेन के अभिनय की, तो एक बार फिर से सुष्मिता सेन ने अपने शानदार अभिनय से दर्शकों को प्रभावित किया है। इसके अलावा वेब सीरीज की कहानी भी काफी शानदार तरीके से गढ़ी गई है, जो दर्शकों को अंत तक देखने के लिए मजबूर कर देगी। आपको हमारी रिव्यू कैसी लगी अपनी राय में कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।